अम्मी कहाँ है? वो खालदा आंटी आई हुई है ना भाभी को लेने, तो अम्मी जी उनके साथ बैठी। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर आप गेस्ट के साथ बिजी थी तो एटलीस्ट आप मुझे बता तो सकती थी ना, मैं वेट कर रहा था आपका। और ये दूसरों के हाथ ब्रेकफास्ट भिजवाने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ ठीक है, ओके बाय। आप मुझसे नाराज हैं? ना। तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करें? क्यों बात करूं और क्या बात करूं, तो मेरी हो कौन? कोई नहीं हूं तो फिर आपने उस दिन क्यों कहा था कि मेरे साथ साथ रहो? वो बस उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा। अब आपको मुझसे बात करना भी बेहतर नहीं लग रहा, मेरा नाश्ता लाना भी बुरा लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, बात करने में और ब्रेकफास्ट लाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूं मुलाजमों की तरह ट्रे उठाकर लाने की क्या जरूरत थी, वो भी खालदा आंटी और भाभी के सामने? आपके लिए नाश्ता अम्मी जी लेकर आती है, मुलाजिम नहीं। और आज अम्मी जी की जगह मैं लेकर आई हूँ। और मॉम ये भी जानती हैं कि मैं अपने डैड के बारे में बहुत सिलेक्टिव हूँ, इसीलिए मैंने हर चीज आपकी पसंद के मुताबिक ही बनाई है। देखो मैं ब्रेकफास्ट पसंद से नहीं, मैं आर के हिसाब से करता हूँ। अरे एक सेकंड, ये कहाँ लेकर जा रही हो? जो चीज आपके मयार पर पूरी ना उतरे वो आपके किस काम की, मैं इसे किसी फकीर को दे दूंगी। As you wish.